देखिए, ऐसा है जो पहले वाली भी सरकारें रही हैं, थोड़ा बहुत गलत होता रहा है, परंतु इतना गलत नहीं हुआ या इतनी दबंगई के साथ नहीं हुआ जितना ये भाजपा की जब सरकारें आई हैं तब से शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने तो इसमें अपनी ख्याति पैदा कर ली है। हम बिहार में, बिहार को कहते थे कि बहुत से मामलों में फर्स्ट है, पर इस मामले में तो सारी बाजी उत्तर प्रदेश मार के ले गया। ये जो बुलडोजर की जो इजाद है और बुलडोजर के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करना और सत्ता को चलाना, ये तो उत्तर प्रदेश का, प्रदेश को इसका श्रेय जाता है। और ये जो कार्रवाई है बुलडोजर वाली, ये सरकार के आतंक का प्रतीक है। सरकार इसके माध्यम से अपना एक आतंक पैदा कर रही है उन सब विरोधियों पर, या दूसरे कुछ ऐसे लोग जो जिनको आप अपराधी के आरोपी कह सकते हैं, आरोपी कह सकते हैं। तो ये जो कार्रवाई है जिस प्रकार से हो रही है, उसमें ना तो कानून का राज के, कोई भी कार्रवाई कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जो है मतलब आप किसी को दंड दे सकते हैं। परंतु इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना कहीं कानून का राज दिख रहा, ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ऑब्जर्व की जा रही दिखाई देती है। वो तो एकदम जैसे पुराने राजाओं का होता था कि उनके सामने जब मुजरिम पकड़ के लाते थे तो वो एक लाइन में खड़े कर दिए जाते थे, जब उसमें जो वो जब दो लाइन में खड़े कर दिए जाते थे तो राजा आदेश सुना देता था, इनको सबको फांसी दे दो, इनको सबको छोड़ दो। तो मतलब आज जो हमारे यहाँ ये सो कॉल्ड प्रक्रिया चल रही है दंड देने वाली, या न्याय वाली जो है, वो तो बिल्कुल मतलब सारी की सारी गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और फिर इसमें अगर ऐसा ही करना है, अगर राज्य ही सब कुछ करेगा, वो अपराधी भी घोषित करेगा और वो सजा भी देगा, तो फिर हमारी न्यायिक प्रक्रिया और अदालतों की तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो चल रहा है, ये जो चलन चल रहा बुलडोजर प्रक्रिया वाला, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा ये है कि पहले सरकारों में इस प्रकार से नहीं होता था ये, जा क्योंकि ये जो सरकार है, ये अभी तक जो सबको स्पष्ट हो गया है कि ये अधिनायकवादी सरकार है, या और ज्यादा कहे तो इसका जो रुझान है पूरे का पूरा फासीवादी है, कि हम हर प्रकार के विरोध को कंट्रोल करेंगे या उसको हम नष्ट कर देंगे। तो ये जो बुलडोजर है, ये हमारे लोकतंत्र पर भी चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में ही तो ये सारी व्यवस्था है, कानून का राज, कानून की प्रक्रिया और न्याय, न्यायिक न्याय व्यवस्था। तो ये लोकतंत्र को भी ध्वस्त कर दे रहा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। और ये प्रचार के माध्यम से जो हम अपराधियों के खिलाफ कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कर रहे हैं, भाई पहले होता है आरोपी, आरोप के बाद जब उसको सजा मिल जाती है तब होता है अपराधी, और तब आप उसको सजा दे सकते हैं। और उस सजा में भी, अपराध की सजा में भी कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप आरोपी या अपराधी का घर या उसकी संपत्ति जो है उसको गिरा देंगे या उसका नुकसान कर देंगे। ये तो मतलब फिर टोटल लॉलेसनेस हो गई। अगर राज्य इस प्रकार की राजकता करेगा तो फिर आप नागरिकों से या समाज से मतलब कानून का पालन करना और प्रक्रिया का पालन करना, उसकी अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है, ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक है, और तानाशाही का ये प्रतीक है, और हमारी सारी कानून व्यवस्था जो है उसको, उसकी बुलडोजिंग हो रही है। इसके खिलाफ हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। Thank you.